आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और मैं अपने कई लेक्चर्स में बताता भी रहता हूं जब भी मैं पॉलिटिशियंस की बायोग्राफी रिव्यू करता हूं। देखिए, किसी पार्टी के अंधभक्त मत होइए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पर्संस को फॉलो करिए। लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो नेता अच्छा काम कर रहा है उसको फॉलो करिए हमेशा, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, ठीक है। बुरे लोगों को आप छोड़िए, अच्छे लोगों को फॉलो करें, उनकी अच्छी बातों को फॉलो करें। उनमें से एक है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद की बात करें, कमाल के पॉलिटिशियन है। हाँ, इनको गुस्सा बहुत आता है, इमोशनल बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी इनॉग्रल स्पीच दी थी लोकसभा में, जब वो चुन के आए थे, तो उन्होंने बोला था कि मतलब जब ये बात उठी थी कि बीजेपी मतलब आपने बीजेपी को जिताया, तब उन्होंने बोला कि मैंने बीजेपी को जिताया, तो मोदी जी इमोशनल हो गए थे। तो वहां पे एक और पॉलिटिशियन रो रहा था, वो थे रविशंकर प्रसाद। तो इमोशनल बहुत है, और जो इमोशनल होगा वो गुस्सैल होगा, गुस्सा आता है इनको, लेकिन कमाल का काम है दोस्तों, ठीक है। रविशंकर प्रसाद का वन ऑफ द फ्यू पॉलिटिशियंस में से है जिनकी हर कोई इज्जत करता है। बहुत ऐसे कम पॉलिटिशियन हैं जिनके आपको हेटर्स नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं। उनमें से एक है रविशंकर प्रसाद। बीजेपी अगर सुषमा स्वराज की बात करें, उनके भी आपको हेटर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही कांग्रेस के अगर हम शशि थरूर की बात करें, उनके भी ज्यादा आपको हेटर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, लोग सम्मान करते हैं उनका। ऐसे ही रविशंकर प्रसाद, मनमोहन सिंह जी के साथ भी ऐसे ही अगर कांग्रेस की बात करें, तो कुछ नेता ऐसे हैं जिनके आपको हेटर्स नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल हम रविशंकर प्रसाद की बायोग्राफी को देखेंगे और इनके अचीवमेंट्स को जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों, रविशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म 30 अगस्त 1954 में हुआ था, और बिहार के हैं ये, जिया हो बिहार के लाला। बिहार की कैपिटल पटना में इनका जन्म हुआ था, और पटना यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की। इनके जो पिताजी हैं ठाकुर प्रसाद, ठीक है, बता दूं कि रविशंकर प्रसाद कायस्थ हैं, तो जो ठाकुर प्रसाद जी हैं वो सीनियर एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में, ठीक है, आई मीन थे, और जनसंघ से जुड़े थे। अब आपको पता ही है, देखिए बीजेपी का पूरा इतिहास मैंने कवर किया है, ठीक है, जनसंघ से, ठीक है, पहले भारतीय जनसंघ से वो बीजेपी बनी, ठीक है, जनसंघ, जनता पार्टी, देन बीजेपी, समझ रहे हैं, 1980s में। तो आप जरूर देखिएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी की बायोग्राफी, गोलवलकर की बायोग्राफी, पूरा बीजेपी का कैसे कार्यकाल शुरू हुआ, आई मीन बीजेपी ने कैसे काम करना शुरू किया, पार्टी कैसे बनी, लाल कृष्ण आडवाणी की बायोग्राफी, अटल बिहारी की, वाजपेयी की बायोग्राफी, सबकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो हम देखते हैं कि इनके पिताजी जो थे वो जनसंघ से रिलेटेड थे, पिताजी एडवोकेट। तो होता है कि परिवार में अगर जैसा मतलब परिवार का माहौल होगा, बच्चों पे भी वैसा ही असर पड़ता है। तो रविशंकर प्रसाद जी बहुत कम उम्र से ही पॉलिटिक्स में आ गए और इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, ठीक है, एमए किया इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से, और पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी डिग्री ली, समझ गए। अब उसके बाद 1954 में जन्म हुआ, और 1970s में हम देखते हैं बहुत ही कम उम्र में इन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लेना शुरू कर दिया। वैसे तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं ये, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, उससे जुड़े हुए हैं ये, और अपने कॉलेज के लीडर रह चुके हैं, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन के लीडर रह चुके हैं ये, समझ गए। तो हम यहां पे देखते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन था, उनके असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे, समझ रहे हैं, जो सेकंड सबसे बड़ी पोस्ट होती है। फिर हम ये देखते हैं कि इधर 1970s में क्या हुआ, इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब ये छात्र आंदोलन जो था सबसे ज्यादा गुजरात और बिहार, गुजरात में तो सरकार गिर गई थी पूरी की पूरी, तो बिहार में ये पूरा का पूरा छात्र आंदोलन शुरू होता है। जयप्रकाश नारायण की भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण क्या जबरदस्त पॉलिटिशियन थे। गांधी जी के बाद कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन या इतना बड़ा लीडर आया जिसने पूरे भारत को एक धागे से बांध दिया, वो थे जेपी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन नहीं की, और अगर वो दोस्तों एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करते 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी, आई मीन जब जनता पार्टी पावर में आई, और अगर उनकी बात मानी जाती तो कुछ और होता। जेपी का भी वही हाल हुआ था जो गांधी जी का हुआ था। गांधी जी ने पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया,
भारत को आजादी दिलवाई, और भी बहुत सारे लीडर्स थे, ठीक है, लेकिन गांधी जी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो गांधी जी को बिल्कुल किनारे कर दिया गया। गांधी जी तो ये मानने लगे थे ना कि क्या मैं वही गांधी हूं जिसके पीछे पूरा भारत एक टाइम पे चलता था, बाकी बाद में सारे पॉलिटिशियंस ने टेक ओवर कर लिया। वही जेपी के साथ हुआ, जब जनता पार्टी जीती और जयप्रकाश नारायण ने पूरा काम किया, पूरा प्लेटफॉर्म बनाया और बहुत सारे लीडर्स को लेके आए जो फ्यूचर लीडर्स बने, आज के नीतीश कुमार हो गए, रविशंकर प्रसाद हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, रामविलास पासवान हो गए, अनगिनत लोग हैं दोस्तों, बहुत लंबी लिस्ट है, और ये सब जेपी के आंदोलन से जुड़े थे, छात्र आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी पावर में आई, जेपी को किनारे कर दिया। वो तो चाहते थे भैया चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन चंद्रशेखर ने नहीं मानी। बने कौन प्राइम मिनिस्टर? मुरारजी देसाई। 3 साल में पार्टी कोलैप्स कर गई दोस्तों, ठीक है। मूवमेंट शुरू हुआ, अंजाम तक ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही 2010 के अन्ना मूवमेंट में हुआ था। तो ये एक छोटी सी चीज मैंने आपको समझा दी। तो छात्र आंदोलन जब शुरू हुआ तो रवि शंकर, कोई भी आंदोलन होते हैं तो उसमें फ्यूचर लीडर्स सामने आते हैं, ठीक है ना। तो रवि शंकर प्रसाद जी सामने आए, उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, लेकिन 1975 में भैया इमरजेंसी लग गई। इंदिरा गांधी जी ने जून 1975 में इमरजेंसी लगा दी। सारी पावर इंदिरा गांधी के पास, इंदिरा गांधी से ज्यादा ताकत थी संजय गांधी के पास, तो रवि शंकर प्रसाद को भी जेल भेजा गया। बीजेपी के सारे लीडर्स, ऑपोजिशन पार्टीज, एक एक को पकड़ के जेल में डाला गया। इमरजेंसी हटाई गई 1977 में, और उसके बाद फिर जनता पार्टी जो है वो पावर में आई। अब दोस्तों आप करियर देख लीजिए, ठीक है ना। 1995-1995 हम देखते हैं कि यहां पे बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव, जो टॉप पॉलिसी मेकिंग बॉडी है बीजेपी की, उसका मेंबर रविशंकर प्रसाद को बनाया गया, ठीक है। 1995 आते आते ये अगेन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी के इंपॉर्टेंट मेंबर हो गए। फिर अप्रैल 2000 में पहली बार राज्यसभा से चुन के आए, ठीक है। सितंबर 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, 1998 से लेकर 2004 तक 6 साल तक, सरकार का टेन्यूअर 5 साल का होता है, लेकिन 1.5 साल में सरकार गिर गई थी ना अटल बिहारी वाजपेयी की, याद होगा। उनकी 2 बार सरकार गिरी है वैसे, एक बार तो खाली 13 दिन की सरकार और एक बार खाली 1 वोट से चूक गए थे वो, तो वो मैंने पूरा कवर किया है, आप जरूर देखिएगा। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया, रविशंकर प्रसाद जी को, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस दिया गया। जब भी इनको मिनिस्ट्री दी गई, इनका कमाल का काम रहा है दोस्तों, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए हैं रविशंकर प्रसाद जी की बात करें, ठीक है। फिर इनको 2002 में लॉयर, बहुत ही जबरदस्त, बड़ी कद्दावर लॉयर है ये, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ दी गई इनको, ठीक है, एडिशनल चार्ज था ये। 2003 में इनको अगेन ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। 2002-2003 में दोस्तों मूवीज का इन्होंने, पिक्चर को, पिक्चरों का इन्होंने काफी हद तक नवीनीकरण किया। गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल होता है ना, वो रविशंकर प्रसाद जी नहीं एडवाइस किया था कि गोवा में फिल्म फेस्टिवल कराओ। वेनिस कांस में डेलीगेशन लेके गए थे, जो वहां पे फिल्म फेस्टिवल होता है, ठीक है। टीवी को इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस मतलब टीवी को घर घर तक पहुंचाया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो उसमें रविशंकर प्रसाद जी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। 2005 में इनको नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। 2006 में दोबारा ये राज्यसभा से चुन के आए, फिर अगेन स्टैंडिंग कमिटी ऑन आईटी का मेंबर इनको बनाया गया। 2010 में सबसे बड़ी, वन ऑफ द टॉप पोस्ट इन बीजेपी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बन गए और चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के बन गए, ठीक है। 2012 में राज्यसभा से तीसरी बार ये चुन के आए। 2012 में ये डिप्टी लीडर बने। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, तब इनको बहुत सारे इनको पोर्टफोलियोज दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सरकार के लिए। अब 2014 से लेकर 2019 तक इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्पेशली अगर हम डिजिटल फील्ड की बात करें, कमाल का काम रहा है। 2018 में चौथी बार राज्यसभा से चुन के आए और 2019 में लोकसभा से भी चुन के आए, समझ रहे हैं। तो ये उनका करियर था, शॉर्ट में बता दिया। रविशंकर प्रसाद जी ने क्या क्या किया है। जैसे ही रविशंकर प्रसाद जी को आईटी मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है, 2016 में ये मिनिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हो गई, ठीक है, और आईटी अलग। तो आईटी जो है वो रविशंकर प्रसाद जी के साथ ही रहा और अभी भी लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री हैं, ठीक है। ट्रिपल तलाक का जो पूरा का पूरा बिल है, 2 बार फेल हुए, 3री बार रविशंकर प्रसाद जी के बहुत सारे एफर्ट्स थे। मोदी जी जो स्कीम लॉन्च करते हैं, ठीक है, कुछ बीजेपी में ऐसे नेता हैं, ठीक है,
कमाल का काम करते हैं, तो उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि वो स्कीम को, ठीक है, या जो विजन है उसको जनता तक पहुंचाया जाए। तो उसमें रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही कमाल का काम किया। तो अगर हम बात करें आईटी में, ठीक है, क्या क्या इन्होंने किया इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हुई, ठीक है। अब जब 2014 में मोदी जी आए थे, ठीक है, तो खाली दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे मोबाइल्स के, अभी पता है कितने हैं, 268 से ज्यादा। सैमसंग तक ने नोएडा में फैक्ट्री डाल दी। पहले सैमसंग के मोबाइल बहुत ज्यादा महंगे बिकते थे भैया, 2014 में जो मोबाइल 20-20 हजार, 25-25 हजार का था, आज वो 7-8 हजार का बिक रहा है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में अगर मैन्युफैक्चर होगा तो सस्ता मिलेगा। यहां पे जो आईफोन है वो बड़ा महंगा मिलता है, क्यों? क्योंकि बाहर से लेके आते हैं। आप चाइना में जाके आईफोन को खरीदेंगे या अमेरिका में जाके आईफोन को खरीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा, आधे से कम दामों में। तो इसीलिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो डेवलप किए रविशंकर प्रसाद जी ने, समझ गए। और इस समय तो भारत सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्रोड्यूसर है दुनिया में, तो ये बहुत ही बड़ी है। दो मोबाइल फैक्ट्री थी 2014 में, अभी 2068 से ज्यादा है। एक और इनका बहुत ही बड़ा काम, कॉमन सर्विस सेंटर्स, सीएससी की बात करें दोस्तों, तो ये डिजिटल इंडिया का एक इंक्लूसिव प्रोग्राम है, समझ रहे हैं। इसमें हुआ क्या है कि कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए। अब ये कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या है, एक ऐसा सर्विस सेंटर जहां पे आपको सारी डिजिटल सर्विसेज मिलेंगी, समझ रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं, रेलवे की बुकिंग कर सकते हैं, आधार कार्ड बनवा सकते हैं, आयुष्मान भारत में आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, डिजिटल स्किल इंडिया में आप अपना एनरोलमेंट, तो जो आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस चाहिए वो यहां पे आपको मिलेगी। ये गांव में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, पैन कार्ड बनाना है तो अलग जाओ, उसके बाद हम देखते थे कि अगर आपको आधार कार्ड बनाना है तो अलग जाओ, अलग अलग बड़ी दिक्कत होती थी। अब एक ही सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर है, यहां पे आप सब कुछ बनवा सकते हैं। एक चीज मुझे और बहुत अच्छी लगी, ऑनलाइन कर दिया सब कुछ, ये बहुत बढ़िया है। अगर भारत को आगे बढ़ाना है, करप्शन को रोकना है, ऑनलाइन इज द बेस्ट वे। 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि चीजें ऑनलाइन हो गई, पासपोर्ट भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। पहले ऑनलाइन अप्लाई भी करना होता तो बड़ी मुश्किल होती थी, यहां तक कि दोस्तों आप अपने पहले जो वोटिंग आईडी कार्ड्स थे, ठीक है, वोटिंग कार्ड भी बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है, लिस्ट में नाम है नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, वोटिंग कार्ड को भी आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस खो गया है, लाइसेंस बनवाना है, वो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। करप्शन और पैसे की बचत हुई यहां पे। तो हम देखते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर और ऑनलाइन इनिशिएटिव जो है उसमें भी रविशंकर प्रसाद जी का बहुत ही बड़ा हाथ है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये ग्राम पंचायत, मतलब ये जो सर्विस सेंटर्स हैं, ये बहुत सारी ग्राम पंचायत में आप देख रहे हैं, 2 लाख से 2.5 लाख ग्राम पंचायत में फंक्शनल है, यानी कि गांव में ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है ना। और गांव को अगर ताकत मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया होगा, जॉब क्रिएशन भी हो रही है। अब जाहिर सी बात है ना कि अगर सर्विस सेंटर बन रहे हैं तो वहां पे लोगों को भी रखा जा रहा है, तो अगर इतने सारे 83,000 सर्विस सेंटर बने हैं तो लाखों लाखों लोगों को जॉब भी मिली है, गांव के लोगों को, गांव में अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है उसको जॉब मिली, उसको नौकरियां मिली, तो ये बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं। तो जॉब क्रिएशन भी हुआ है, 10 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब इसी सेंटर से क्रिएट हुई है, औरतों का भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों स्त्री स्वाभिमान इनिशिएटिव, सैनिटरी पैड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही है, ठीक है ना। जब महावारी होती है तो बहुत सारे गांव में ऐसी औरतें हैं जिनके पास सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं है, गंदा कपड़ा वो मतलब लगाती हैं और उससे उनको बहुत बीमारियां हो जाती है, कभी कभी तो मौत भी हो जाती है। तो सैनिटरी पैड यूनिट्स भी इन्होंने बढ़ाए, 300 मैन्युफैक्चरिंग पैड्स यूनिट्स लगाए गए, ठीक है ना। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है, जो रूरल वुमेन, जो गांव की औरतों हैं, उनको भी बहुत ज्यादा रोजगार मिला। तो इसमें रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट आया कि यहां पे गांव की औरतों ने मोर्चा संभाला और ये गांव में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ये जो सैनिटरी पैड्स है। तो ये स्त्री स्वाभिमान इनिशिएटिव, इसका भी श्रेय रविशंकर प्रसाद जी को जाता है। फिर डिजिटल लिटरेसी दोस्तों, ठीक है ना, ये जो सबसे बड़ा लिटरेसी मिशन है अगर हम बात करें डिजिटल लिटरेसी की, ठीक है ना। अब डिजिटल लिटरेसी में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी में दोस्तों सब कुछ ऑनलाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आप डिजी लॉकर, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, अब सरकार जो है वो डिजिटाइज्ड लॉकर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है।
आप अपने सर्टिफिकेट्स को वहां स्टोर कर सकते हैं, आपको फिजिकली कुछ चीज ले जाने की जरूरत नहीं है। ईनैम, नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, ईनैम सबसे बेहतरीन स्कीम, हालांकि वो इतनी सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन जो पैसा है वो सीधा डालो किसान के अकाउंट में, सीधी बात है, कोई बीच में मीडिएटर नहीं। ई साइन, भीम ऐप, भीम यूपीआई ने तो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने तो सबको किनारे रख दिया है, सबको किनारे, जितने भी डिजिटल ई वॉलेट्स है ना उन सबको किनारे हटा दिया है, और इस समय यूपीआई चल रहा है। 2018 से 2019 तक दोस्तों 400% बढ़ोतरी हुई है यूपीआई पेमेंट्स जो होते हैं, आप समझ सकते हैं 400% ज्यादा बढ़ गया है। यूपीआई में आपको एक एड्रेस दिया जाएगा, बस वही एक एड्रेस आपको जरूरत है, कहीं पे भी आपको डिजिटल पेमेंट करना है बस वही एड्रेस डाल दीजिए, सीधा आपके पास मैसेज आएगा, क्लिक करिए, पेमेंट कर दीजिए। और ये जहां जहां पे भी आपका यूपीआई बना है सबसे लिंक है, मतलब जहां जहां पे भी आपका जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सबसे लिंक होता है यूपीआई, क्योंकि आपके सीधा बैंक अकाउंट से लिंक और सेफ है। तो यूपीआई का भी बहुत ही, तो ये सब डिजिटल सर्विसेज हैं, ठीक है, और डिजिटल लिटरेसी के अंदर आता है। फिर दोस्तों इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सबको भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, और डिजिटल सर्विसेज को भी प्रमोट किया है। बीपीओ भी बहुत सारे बनाए हैं, ठीक है ना, बीपीओ भी गांव में बहुत सारे बनाए हैं, तो हम देखते हैं कि 200 से ज्यादा बीपीओ यूनिट्स भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। अब बीपीओ बनाए हैं, कॉल सेंटर्स बनाए हैं, तो इसका मतलब रोजगार भी मिला है, तो लोगों को यहां पे रोजगार मिला है, समझ रहे हैं। फिर ट्रिपल तलाक, दोस्तों लॉ मिनिस्टर हैं, अब आपको पता ही है कि ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत जो है, तलाक 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 करके, देखिए कुरान में, कुरान की आयतों के हिसाब से जो तलाक देना है वो उसका पूरा एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग कुरान की बात को नहीं मान के, कुरान की आयतों को नहीं मान के अपना चलाते हैं, वो खाली तलाक 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 बोल देता है, खत्म काम, ठीक है। तो ये बहुत वक्त से मुस्लिम औरतों की शिकायत थी, ठीक है, कि हमको तलाक दिए जा रहे हैं और हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो यहां पे रविशंकर प्रसाद ने बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया, ठीक है ना। रविशंकर प्रसाद जी ने मतलब इसमें बहुत ज्यादा गंभीर थे, और मुझे अभी भी याद है कि जब ये पूरा बिल, मतलब ये जो कानून आया था, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट, 2019 में जो पास हुआ था, मतलब अभी की बात है, पिछले कुछ महीने पहले ही, तो रविशंकर प्रसाद वो औरतों से मिले थे, ठीक है, जो ये बोल रही थी कि ट्रिपल तलाक को हटाओ, और बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, और औरतों ने भी मिठाई खिलाई यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी को। तो यहाँ पे दो बार ये बिल आया था, ठीक है, 2017-2019 दोनों बार फेल हो गया था, क्यों, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली 2019 में इसको पास किया गया, और फाइनली ये तलाक 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 ये जो पूरा का पूरा प्रकरण होता था बड़ा खतरनाक, इसको बंद किया गया, समझ रहे हैं आप। इतना सब कुछ इन्होंने काम किया है कि इनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन डिजिटल गवर्नमेंट, ये 2018 में जो लिस्ट आई थी टॉप 20 में थे, 100 लोगों की लिस्ट आई थी डिजिटल गवर्नमेंट में सबसे बेहतरीन किसका काम है, उसमें रविशंकर प्रसाद जी थे। फेसबुक तक को लीगल नोटिस, जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का पूरा केस हुआ था कि आपका डेटा सेफ है कि नहीं है, ठीक है, फेसबुक आपका डेटा दूसरों को देता है, यही व्हाट्सएप में भी प्रॉब्लम हुई थी, वो डेटा की नहीं लेकिन जो हेट मैसेजेस, तो यहां पे रविशंकर प्रसाद जी ने सबको नोटिस भेजा, तो व्हाट्सएप ने भी इनिशिएटिव लिया, व्हाट्सएप अब आप 5 से ज्यादा लोगों को अपने मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव लिए गए रविशंकर प्रसाद जी द्वारा। तो ये बायोग्राफी थी, और अभी तो 65 वर्ष के हैं रविशंकर प्रसाद जी, और अभी देखेंगे आगे आगे क्या करते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।